आपने देखा कि मैंने आपको टेस्ला की जो कॉइल है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वो वर्क करके दिखाया मॉडल की कैसे ये वर्क कर रहा है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसके अंदर आपको बनाने के लिए क्या चीज कैसे करनी है। देखिए ज्यादातर वीडियो आपने टेस्ला कॉइल के देखे होंगे, उसमें आपके सामने सर्किट दे देते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, पर वैसे जो है आपका जो कॉइल जब आप बनाने लगते हो तो वो नहीं बन पाता। पर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप वो बना पाओगे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इसमें करके दिखाऊंगा कि कौन सा वायर कहाँ पे अपने आपको जो है वो कनेक्ट करना है। देखिए मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको, इसको अच्छे से देखिएगा बिना इसको स्किप किए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोई भी इंसुलेटर ले लेना है। इंसुलेटर आप कौन सा लोगे, कोई भी आप जो पीवीसी की पाइप होती है उसको काट लो 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर के लगभग, और उसको काट के क्या करना है आपको, इसके ऊपर 28 गेज। ये क्या है, जैसे हम वजन करते हैं किलोग्राम के अंदर, वैसे ही वायर जो है उसकी मोटाई जो है वो गेज के अंदर मापी जाती है। तो 28 गेज का आपका आपको कॉपर का वायर लेना है और वो प्लेटेड होना चाहिए, पूरा पॉलिश होना चाहिए। तो उसको आपको क्या करना है, इस पे वाइंड कर देना है एक एक टर्न, और ध्यान रखिएगा कोई भी वायर एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और उनके बीच में स्पेस भी ना रहे। ऐसे करने के बाद में एक सिरा तो आपके पास में यहाँ पे बच जाएगा और दूसरा सिरा आपके पास में यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ये ऊपर वाला जो सिरा है इसके ऊपर से थोड़ी सी आप पॉलिश हटा लीजिए, जो पॉलिश है उसको हटा लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, आपके पास में रेगमार होगा वो उस पर जैसे ही आप रब करोगे रगड़ोगे तो वो क्या होगा, उतर जाएगी वहां से पॉलिश। बाकी की नहीं उतारनी है, सिर्फ दोनों सिरों की उतार देनी है आपको। तो ये हमने इनको अनपॉलिश कर लिया, ठीक है। प्रोसेस पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करे ही करे। तो देखिए ये जो सिरा है इसको आपको क्या करना है, बाद में एक बॉल लीजिएगा, उस बॉल के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल जो रोटी जिसके अंदर गर्म रहे वो उसको कवर करते हैं, वो सेम ही एल्यूमिनियम फॉइल इसके ऊपर आप लगा दीजिए, और वो लगाने के बाद में आप ये वायर का एक सिरा उसमें डाल के और यहाँ पे क्या कीजिए, लगा दीजिए। ऐसे मैंने उसके अंदर डाला और यहाँ पे इसके ऊपर वो बॉल रख दी। देखिए ये बॉल मैं क्यों रख रहा हूँ, ये सिंपल भी वर्क करेगा बिना बॉल के, पर ये बॉल विद एल्यूमिनियम फॉइल मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि क्या हो, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी रेंज बढ़ जाए। तो सरफेस एरिया को इनक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है, और ना भी लगाओगे तो भी ये वर्क तो करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद में ये नीचे वाला सिरा यहाँ पे हो गया। अब क्या कीजिए, इसके ऊपर आप एक सेकेंडरी जो कॉइल है उसका टर्न दे दीजिए। देखिए सिंपल वायर लेनी है आपको, कोई भी बेंट वायर ले लीजिएगा, सिंपल कोई तार, चाहे उसके ऊपर जो रबड़ है वो चढ़ा हो ना चढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसके 2-3 टर्न दे दीजिएगा, फिर उसके दो सिरे उसके बन जाएंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर लेना है, ये ट्रांजिस्टर है 22NA, बाई NA ट्रांजिस्टर है सॉरी। इसके तीन सिरे होंगे, आपको पता है, एक तो होगा एमिटर, एक होगा बेस, एक होगा कलेक्टर वाला सिरा। तो आपको जो बेस वाला सिरा है इसके अंदर, जो इसका बेस है उसमें आपको एक रजिस्टर कनेक्ट कर देना है, और ये रजिस्टर रहेगा 22 किलो ओम का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे आप एक स्विच ले लीजिए, ऑन ऑफ जो स्विच होता है वो, इसका एक सिरा 1 एक सिरा 0 होगा और ऐसे इसके साथ में बने होंगे, दो 0 वाला है और एक 1 वाला है। ये जो 0 वाला है इसको आप एक वायर से क्या कीजिए, इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेनी होगी एक 9 वोल्ट की सेल बैटरी कह लीजिए, ठीक है, या आप दो भी ले सकते हो, एक से भी काम चल जाएगा। एक सिरा इसका क्या होगा, पॉजिटिव, एक सिरा क्या होगा, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है उसको इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, और जो नेगेटिव सिरा है उसको आप एमिटर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, वायर लेके। फिर आपको क्या करना है कि ये जो सिरा है यहाँ पे उसको इस जो
सेकेंडरी कोयल है ये वाली जो हमने इस पे पाइप पे प्लेटी थी उसके उप साथ में कनेक्ट कर देना है यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपके पास में क्या है, दो ये सिरे बच गए। देखिए मेन सबसे बात आती है वो इसी के लिए आएगी, अगर आप में क्या हो इसकी ये वर्क तभी करेगा जब ये जो कोयल है ये उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ये ऊपर वाली जो हमने लगाई है वो हो, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब हमें पता अगर नहीं चलता कि इनके डायरेक्शन सेम कैसे करें तो आपको बिल्कुल सा सिंपल सा तरीका बताता हूं। या तो आप क्या कीजिए एक्स के अंदर या फिर यू के अंदर। अब एक्स और यू क्या है, या तो आप इसको क्या कीजिए ये यू के अंदर है सिंपल, तो ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए कि यहां पे एक यहां पे। अगर ऐसे वर्क ना करे तो इस वायर को यहां पे और इस वायर को यहां पे एक्स बना के कर दीजिए, मतलब इसको यहां पे कनेक्ट कर दीजिए इसको यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, या तो आपका सर्किट चल जाएगा जैसे ही आप इसको ऑन करोगे। ये यहां पे जो होगा इसको वन की तरफ करोगे ना तो या तो वर्क कर जाएगा, अगर नहीं किया बाई चांस तो आपको एक सिंपल सा इसका यू के अंदर अगर वर्क नहीं किया तो आप इसको जोड़ दीजिए कलेक्टर से और इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे ताकि आपकी डायरेक्शन सेम हो जाए। और ये जैसे ही आप करोगे पक्का आपका कंफर्म है कि ये जो टेस्ला का कोइल का एक्सपेरिमेंट है वो वर्क करेगा ही करेगा, 100% श्योरिटी है इसकी। तो आप देखिए मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है इसके अंदर कि 9 वाट की आपको बैटरी लेनी है, एक ऑन ऑफ की स्विच लेना है, एक 22/22 NA जो ट्रांजिस्टर है वो लेना है, 22 किलो ओम जो है उसका रजिस्टर लेना है, सिंपल एक PVC पाइप लेनी है उस पर 28 गेज की जो वायर है वो लगा देनी है, उसके ऊपर 2-3 टर्न देने हैं, कोई भी बेंड वायर ले लीजिए जिसके ऊपर रबड़ चढ़ा होता है कोई दिक्कत नहीं है वो ले लीजिए ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या रहेगी मैं वर्किंग जरूर बताऊंगा इसकी ताकि आपको पता चले कि आखिर इसमें वर्क क्या हो रहा है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो आपको इसकी वर्किंग आना जरूरी है, वरना आपको सब कहेंगे कि ऐसे ही देख के कर लिया आपको वर्किंग तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या हो रही है। देखिए जहां हम क्या करते हैं इसके अंदर 9 वोल्ट की जो बैटरी है उससे जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा एक करंट फ्लो करेगा। जब इस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ठीक है, और ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज करते हैं तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और उसका उल्टा भी कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा इंड्यूस होगा तो वो उस पे वर्क करेगा। मतलब जब यहां पे करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई भी जो कंडक्टर है वो लेके जाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे। तो जैसे ही मैं यहां पे कोई CFL लेके आऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पे CFL लेके आया तो इसके अंदर जो आर्गन गैस है आर्गन गैस, उस आर्गन गैस का क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको एनर्जी मिलेगी, उसका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑफ आर्गन के कारण ये आर्गन जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्लो करने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो टेस्ला कॉइल है वो वर्क करता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके सामने ये टेस्ला कॉइल है अगर आप उसको जानना चाहोगे कि ये सबसे पहले कहां परफॉर्म किया गया था तो देखिए 1891 के अंदर, 1891 के अंदर सर निकोला टेस्ला ने इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। और जैसे कि हमें पता है कि नई चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, उनके इस एक्सपेरिमेंट को भी शुरू के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, यहां तक कि आज से लगभग ये 100-200 साल पहले की बात है फिर भी उसको नहीं माना गया। पर अब भी 2016-17 के बाद में इस पे दोबारा वर्क होने लगा है, और पिछले ही हफ्ते इस पे एक सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट है वो कर लिया गया है, और ऐसे न्यूज़पेपर में भी आया है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला देश बनेगा जो इसको रियल में पूरे देश के अंदर लागू करने जा रहा है जल्द ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इससे न सिर्फ क्या इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसमिट कर सकते हो वायरलेस, बस आप इसके साथ में एक और काम कर सकते हो कि कोई
कोई भी एनर्जी अगर हमें ट्रांसमिट करनी है वायरलेस वो कर सकते हो। तो ये आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल करोगे तो आपको, अगर कोई अच्छे से जरूर साइंस को जानने वाला है तो वो आपको इस बात को समझेगा और आपको प्राइज जरूर मिलेगा और आपकी पोजीशन जरूर आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।